वीडियो देखने से पहले इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए लेटेस्ट क्रिकेट और फुटबॉल न्यूज के लिए, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी खबर छूट न जाए। तो मैं हमीर और आपका मातिन क्रिक पर मैं बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों मैं आएगा आईसीएल 501 का नया वीडियो लेकर, जिसमें आज हम बात करेंगे सेकेंड फेज के टॉप 10 मैच के बारे में, जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जानने के लिए जरूर आज तक जरूर देखते रहिए। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि आईएसएल 5 का सेकंड फेज स्टार्ट हो रहा है 25 जनवरी से, 25 जनवरी से लेकर 3 मार्च तक ग्रुप स्टेज मैच चलेगा और यहां पर टोटल 31 मैच खेला जाएगा, उसके बाद ही प्लेऑफ का मैच घोषित होगा। और दोस्तों मैं आपको इसी 31 मैचों में से 10 ऐसा मैचों के बारे में बताऊँगा जो बहुत इंटरेस्टिंग होगा सभी फैनों के लिए और सभी टीमों के लिए। तो दोस्तों चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला मैच है 27 जनवरी मुंबई सिटी एफसी वर्सेस बेंगलुरु एफसी। मैच बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि दोस्तों बेंगलुरु एफसी है पॉइंट टेबल के टॉप में और सेकंड पोजीशन पर है मुंबई सिटी एफसी। तो दोनों के बीच टक्कर का मुकाबला होगा और यहाँ पर देखने की बात रहेगा कि बेंगलुरु एफसी मुंबई सिटी एफसी को क्या कैपिटलाइज कर पाएगा। और लास्ट टाइम ये दोनों जब मैच खेला था तब ड्रॉ हो गया था 1-1 से। तो एक जबरदस्त इंटरेस्टिंग मैच होगा दोनों टीमों के बीच, इस मैच को मिस मत करना दोस्तों। और इसके बाद नेक्स्ट टॉप मैच है दोस्तों 28 जनवरी को एफसी गोवा वर्सेस जमशेदपुर एफसी। तो जमशेदपुर एफसी ने फास्ट फेज में पहली बार एफसी गोवा को हराया था सभी टीमों में से 4-1 से। तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ा शर्मनाक हार था एफसी गोवा के लिए और यहां पर एफसी गोवा के पास एक और मौका रहेगा रिवेंज लेने के लिए। और पॉइंट टेबल में इस मैच पर अगर कोई भी जीत जाता है तो बहुत ही बड़ा चेंज हो सकता है। और इसके बाद नेक्स्ट मैच होगा दोस्तों 1 फरवरी मुंबई सिटी एफसी वर्सेस एफसी गोवा। फास्ट मैच में एफसी गोवा ने मुंबई सिटी एफसी को 5-0 से हराया था, जो एक बहुत ही बुरा हार था मुंबई सिटी एफसी के लिए। लेकिन उसके बाद मुंबई सिटी एफसी ने इस सीजन में भी मैच नहीं हारा है और एफसी गोवा के ऊपर वो खड़ा है पॉइंट टेबल में। तो मुंबई सिटी एफसी इस मैच पे रिवेंज मूड में रहेगा और बहुत इंटरेस्टिंग मैच बनेगा दोनों टीमों के बीच। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग मैच होगा दोस्तों 3 फरवरी एटीके वर्सेस जमशेदपुर एफसी। तो दोस्तों एटीके के लिए एक बहुत ही क्रूशियल मैच होगा क्योंकि दोस्तों एटीके को अभी प्लेऑफ में पहुंचना है, तो उनको अब जमशेदपुर एफसी को हराना चाहिए और 3 पॉइंट हासिल करना चाहिए। और दूसरी तरफ जमशेदपुर एफसी भी अभी इस रेस में शामिल है कि वो भी प्लेऑफ में जाना चाहता है। तो दोनों टीमों के बीच टक्कर का मुकाबला होगा, लास्ट टाइम दोनों टीमों के बीच मैच ड्रॉ हुआ था 1-1 से। तो दोस्तों आप देखते हैं कि इस मैच पे क्या होता है। और इसके बाद नेक्स्ट इंटरेस्टिंग मैच होगा दोस्तों 6 फरवरी बेंगलुरु एफसी वर्सेस केरला ब्लास्टर एफसी। केरला ब्लास्टर के लिए मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको 3 पॉइंट हासिल करना पड़ेगा। उनके पास जो छोटा सा मौका है प्लेऑफ में जाने के लिए वो एक उम्मीद का आशा हो सकता है इस मैच पे। लेकिन दोस्तों केरला ब्लास्टर से ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच होगा फैनों के लिए क्योंकि दोस्तों दोनों टीमों का जो फैन बेस है साउथ इंडिया में वो बहुत ही अच्छा है। और किसको अब मौका मिलेगा आतिशबाजी करने का वो तो हमें मैच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन लास्ट टाइम बेंगलुरु एफसी ने केरला ब्लास्टर को हराया था 2-1 से। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है इस मैच पे, लेकिन मैच तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा ही होगा। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग मैच है दोस्तों 8 फरवरी जमशेदपुर एफसी वर्सेस मुंबई सिटी एफसी। तो दोस्तों जमशेदपुर एफसी के लिए बहुत ही वाइटल मैच होगा, उनके पास प्लेऑफ में जाने का अभी भी मौका है और जमशेदपुर चाहेगा कि इस मैच पर जीत हासिल करके 3 पॉइंट ले ले और आगे चला जाए। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम जमशेदपुर एफसी ने मुंबई सिटी एफसी को हरा दिया था 2-0 से। तो अभी वही रिजल्ट वो एक्सपेक्ट करेगा कि इस बार भी मुंबई सिटी एफसी को अपने होम ग्राउंड पर हरा दे और अच्छी तरीके से ऊपर चला जाए। और इसके बाद नेक्स्ट इंटरेस्टिंग मैच होगा दोस्तों 10 फरवरी एफसी पुणे सिटी वर्सेस एटीके। एफसी पुणे सिटी ने बहुत ही खराब शुरुआत किया था इस सीजन में, लेकिन नवंबर में आकर वो अपना इस सीजन में पहला जीत हासिल किया और उसके बाद लगातार 2 मैच उन्होंने जीत लिया है और उसी मोमेंटम को रखना चाहेगा और आगे जाना चाहेगा। और उनके पास प्लेऑफ में जाने के लिए अभी भी मौका है और अभी तो एटीके पास भी मौका है। तो दोनों ही अभी प्लेऑफ के रेस में है और टक्कर का मुकाबला होगा दोनों के बीच, दोनों के लिए वाइटल मैच होगा। तो चलिए देखते हैं इस मैच पर क्या होता है। तो इंटरेस्टिंग मैच तो होगा दोनों टीमों के बीच। नेक्स्ट मैच है दोस्तों 13 फरवरी मुंबई सिटी एफसी वर्सेस नॉर्थ यूनाइटेड एफसी। तो दोस्तों दोनों टीमों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच होगा और प्लेऑफ में जाने के लिए दोनों ही टीम अपना जगह पक्का करना चाहेगा इस मैच को जीतने के लिए। और दोस्तों अगर इस मैच पे कोई जीतता है तो यहाँ पर पॉइंट टेबल में बहुत ही बड़ा फर्क आ सकता है। अगर ड्रॉ होता है तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक जीत जाता है तो पॉइंट टेबल में बहुत एक बड़ा फर्क आ सकता है। और इसके बाद नेक्स्ट इंटरेस्टिंग मैच होगा दोस्तों 15 फरवरी केरला ब्लास्टर एफसी वर्सेस चेन्नई एफसी। ये मैच पॉइंट टेबल में ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन फैनों में इफेक्ट कर सकता है क्योंकि दोनों ही टीम है साउथ डर्बी से। तो दोनों के लिए एक अच्छा मौका है अपने फैनों को खुश करने के लिए। हालांकि केरला ब्लास्टर का जो फैन है वो बहुत ही निराश है अपने टीम से, तो यहाँ पर केरला ब्लास्टर के पास एक मौका रहेगा अपने फैन को खुश करने के लिए। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि क्या होता है इस मैच पर। लास्ट टाइम दोनों के बीच मैच ड्रॉ हुआ था 0-0 से और इस बार ऐसा हम उम्मीद नहीं करेंगे, कोई तो एक जीतना चाहिए इस मैच पे। और इसके बाद नेक्स्ट और टॉप जो 10 नंबर मैच है दोस्तों वो है 21 फरवरी बेंगलुरु एफसी वर्सेस एफसी गोवा।
तो दोस्तों ये दोनों ही अनस्टॉपेबल फोर्स है इस सीजन में और फेस टू फेस होगा। 21 फरवरी को दोनों टीमों के बीच एक अच्छा टक्कर का मुकाबला हो सकता है। एफसी गोवा के पास एक जबरदस्त अटैक है, उन्होंने 11 मैचों में 27 गोल दिया है। दूसरी तरफ बेंगलुरु एफसी का डिफेंस भी बहुत ही जबरदस्त है, उन्होंने 11 मैचों में सिर्फ 8 ही गोल कंसीडर किया है। तो दोनों टीमों के बीच एक खास मुकाबला होगा फैनों के लिए, और फैन इस मैच को मिस मत करना। तो दोस्तों ये था ISL 5 के सेकेंड फेज का टॉप 10 मैच। इन सभी मैचों को मैं दरख्वास्त करता हूँ सभी फैनों से, मिस मत करना यार, बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगा, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इन 10 मैचों में। तो इस वीडियो में इतना ही, आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। ISL 5 के जरिए मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।